बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी एवं मां गायत्री देवी की बहुत ही सुंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुख्य यजमान एवं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने पूरे विधि विधान के साथ चौहुआ के पुजारियों ने मुख्य यजमान एवं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं उनके परिवार वालों को मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी माधव दास जी महाराज एवं कैबिनेट मंत्री ने फीताकाट का मंदिर का लोकार्पण किया। तत्पश्चात कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए सभी साधु संतों महंतों एवं महामंडलेश्वरों का माला एवं शोल पहनाकर एवं दक्षिणा देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद साधु संतों एवं महामंडलेश्वरों भोजन प्रसादी ग्रहण कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय बछड़ों को दे रहे थे और उनके साथ बेहद साधारण भोजन कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी के मन में आया कि यह साधारण बालक जो गाय बछड़ों को चरा रहा है और साधारण भोजन कर रहा है, ये भला अवतारी पुरुष कैसे हो सकता है। सभी ब्रह्मा जी ने इस भक्त को भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की ठान ली। वहीं ब्रह्मा जी ने विमान से उतरे और गाय बछड़ों एवं ग्वाल बालों को एक गुफा में छुपा दिया। वहीं ब्रह्मा जी कभी गुफा की ओर देखे तो कभी मैदान की ओर देखे, दोनों तरफ का एक ही नजारा दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये बालक नहीं स्वयं अवतारी भगवान कृष्ण हैं। वही उनका न केवल भ्रम दूर हुआ बल्कि उनका अहम भी चकनाचूर हो गया। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो ब्रह्मा जी ने यह प्रतिस्थापना की इच्छा जाहिर की। तभी से यहाँ भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। वही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुषों एवं बच्चों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। देखिए हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को पूजा पिता माना जाता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं सबसे पहले ब्रह्मा का निर्माण करता हूँ और ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को शक हुआ कि ब्रह्म कैसे हो सकता है। उन्होंने परीक्षा के लिए उनके बछड़े चुरा लिए। भगवान कृष्ण ने पता करके कहा तो फिर उनका आशीर्वाद दिया था, यहाँ तपस्या ब्रह्मा जी की पत्नी बहुत जबरदस्त यहाँ है। आगरा जिले के बीच मशहूर मेला लगता है दंगल। बहुत दिनों से बात थी कि पूरे भारत में जो ही मंदिर है ब्रह्मा जी के चौमा में, हजारों वर्ष से हमारे चौमा के एक छोटे से मंदिर में ब्रह्मा जी लोगों का मन था कि हर मंदिर बनना चाहिए। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण हुआ, साधु संतों ने आए, उन्होंने भी उनके साथ योगदान करके आज वो प्राण प्रतिष्ठा की है। यह बहुत ही हर्षोल्लास से ऋषि जीव और यहाँ लगभग प्रसाद का इंतजाम है। लोग बड़े हर्षोल्लास से ब्रह्मा जी को पूजा कर रहे हैं। आगे मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तीर्थ स्थल मैंने ही घोषित कराए ब्रज में जब मेरे पास ये विभाग मैंने सबसे पहले अपना लंगराम बरसाना वृंदावन गोकुल ये तीर्थ स्थल निश्चित रूप से उसको अति शीघ्र ब्रह्मा जी को तीर्थ स्थल घोषित करा देंगे। यहाँ पर्यटन लोगों की आस्था है,
पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र बना है और इस पर्यटन की वजह से यहाँ बड़े विकास की भी संभावनाएं बढ़ेंगी और ये हमारा विश्व प्रसिद्ध है। किस तरह का ये अद्भुत दृश्य है जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने महसूस कीजिए। इसी स्तर पर जब गाय चरा रहे होंगे, गोपालों के साथ होंगे, उनके साथ झूठा गूटा खा रहे होंगे और यहाँ पर उनका विचरण होगा, उनकी लीलाएं होंगी, तो साक्षात ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है जिस भूमि पर आज ये ब्रह्मा जी की स्थापना हुई है मंदिर की। और निश्चित ही इसका पुनरोद्धार इसको एक तीर्थ स्थान का दर्जा देगा और ये तीर्थ ने आगे बढ़ आने वाले समय में चौवों के साथ साथ ब्रह्मा जी की इस पवित्र भूमि को विश्वविख्यात करेगा। आज पूरे जनपद में और पूरे खंड में माननीय मंत्री जी ने जो मंदिर की स्थापना की है इसके प्रति इतना उत्साह है, इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी लोग तन और मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस बड़े यज्ञ को पूरा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और जैसा आप देख भी रहे कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग व्यवस्था में अलग अलग टोलियों में लगे हुए हैं। होनी चाहिए और मंत्री जी ने भी इतना बड़ा सुंदर भव्य मंदिर और मूर्ति स्थापना की है और 30 चित्र घोर कराने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित हो जाएगा मंत्री जी का प्रयास सार्थक होगा और वो कराएंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPA कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।